आईपीएल 2023 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है यहाँ पे सनराइज़ हैदराबाद। मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इनके प्लेयर हैं ना वो एकदम फाड़ू फॉर्म में है, फाड़ू फॉर्म में। किसी भी टीम के लिए ये ना अच्छा खासा मतलब डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं, चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, चाहे वो हेनरिक क्लासेन हो, चाहे वो एडम मार्करम हो। और आपको मैं इस वीडियो में एडम मार्करम के ही बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारा फ्यूचर कप्तान, जी हाँ फ्यूचर कप्तान कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा सीएस जो साउथ अफ्रीका टी20 लीग हो रहा है उसमें यहाँ पे जो सनराइजर ईस्टर्न कैंप थी उनको फाइनल में पहुँचा दिए हैं। अब इनसे बेस्ट कैप्टन कौन हो सकता है, और साथ में आपको पता होगा सेमीफाइनल में इन्होंने अपना टी20 का पहला शतक मारा है, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। और फॉर्म का अपना मतलब मुजाहिर कर दिया कि हाँ मैं फॉर्म में आ गया हूँ, और आप बंदा देख सकते हो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर साबित होके निकल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये सनराइज हैदराबाद के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर आप मिडल ऑर्डर के बैट्समैन का फॉर्म देखोगे तो कहो एक ही चीज़ निकलेगी आपके मुँह से, भाई क्या प्लेयर्स हैं इनके सामने, तो सारे के सारे यहाँ पे पानी भरते नज़र आने वाले हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे किन भाइयों ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका टी20 लीग का यहाँ पे एडम मार्करम का सेंचुरी वाला यहाँ पे इनिंग देखा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एडम मार्करम ही यहाँ पे कप्तान होने वाले हैं आईपीएल 2023 के, क्योंकि इन्होंने संकेत तो बहुत सारे दे दिए हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और इनको बनाना भी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत है। और जितने प्लेयर हैं आप एक बार हो सकते हैं, हेनरिक क्लासेन भी जबरदस्त फॉर्म में है, आपको मैं भी बता दूं, और हैरी ब्रुक तो अपने जबरदस्त फॉर्म में है ही। और आप सोच रहे हो मयंक अग्रवाल के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, मयंक अग्रवाल के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं हम, और आपको सारे प्लेयर का इकट्ठा करके देने वाले हैं। तो आपको एक चीज को मैं अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे एडम मार्करम इज द बेस्ट कैप्टन ऑप्शन है यहाँ पे आईपीएल 2023 के लिए। और साथ में फॉर्म तो नंबर एक है बंदे का, मिडल ऑर्डर में संभाल के रखेंगे, और बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आईपीएल 2023 की ट्रॉफी हैदराबाद उठा सकती है, और इसके लिए यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर इनके आस पास भी नहीं नज़र आने वाला है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो क्या मेरी बातों से एग्री हुए ना आप, तो इसी बात पे चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी हो जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।